नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी, मैं हूं शिखा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अब मध्य प्रदेश की महिलाएं पुरुषों की तरह सड़कों पर ई रिक्शा दौड़ाती हुई नजर आएंगी। सरकार ने महिलाओं को ई रिक्शा खरीदने पर 40% अनुदान देने का फैसला किया है। सबसे पहले इसकी शुरुआत MP के मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर से होगी और इंदौर में अगर सरकार का ये प्रयोग सफल रहा तो इसे अन्य जिलों में लागू किया जाएगा। सरकार के इस फैसले के बाद महिलाओं में खुशी की लहर है और रक्षाबंधन से पहले महिलाओं के लिए ये फैसला सरकार के तोहफे के रूप में देखा जा रहा है। शुरुआत में इंदौर भोपाल में 50-50 महिलाओं को ई रिक्शा दिए जाएंगे। अगर ये प्रोजेक्ट सफल रहा तो अन्य जिलों ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में भी इसे लागू किया जाएगा। राखी से पहले महिलाओं को सरकार का तोहफा ई रिक्शा खरीदने के लिए अनुदान देगी सरकार। महिलाओं को 40% अनुदान दिया जाएगा। इंदौर में सबसे पहले प्रयोग किया जाएगा। प्रयोग सफल रहने पर अन्य शहरों में व्यवस्था लागू होगी। विधानसभा में कांग्रेस सरकार के शक्ति परीक्षण के बाद प्रदेश की सियासत उबाल पर है। लगातार हो रही बयानबाजी से सियासत का पारा उछाल मार रहा है। पहले बीजेपी नेता सरकार गिराने और खुद गिर जाने के दावे करते थे, लेकिन विधानसभा में हुए सियासी घटनाक्रम के बाद अब कांग्रेस की तरफ से आगे और भी बीजेपी विधायकों के कांग्रेस में आने के दावे किए जा रहे हैं। अब कैबिनेट मंत्री लाखन सिंह ने एक बयान देकर राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। मंत्री लाखन सिंह का कहना है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का दांव उल्टा पड़ गया है। अभी 2 विधायक बीजेपी के कांग्रेस में शामिल हुए हैं, जल्द ही 6 विधायक और कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। 2 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि कर्नाटक के बाद बंगाल, बंगाल के बाद मध्य प्रदेश का नंबर होगा जिसमें बीजेपी सत्ता परिवर्तन करेगी, जिस पर लाखन सिंह ने कहा कि मेरे संपर्क में बीजेपी के 6 विधायक हैं। मध्य प्रदेश में जोर तोड़ पर बयानबाजी चल रही है। कमलनाथ के मंत्री लाखन सिंह का दावा है, उन्होंने कहा कि मेरे संपर्क में बीजेपी के 6 और विधायक हैं। बीजेपी के 2 विधायक बगावत कर चुके हैं। आपको बता दें, मंत्री जी का नया दावा यहां पर सामने आया है कि बीजेपी के 6 और विधायक उनके संपर्क में हैं। बीजेपी के 2 विधायक पलायन कर चुके हैं। कमलनाथ के मंत्री लाखन सिंह ने यह दावा किया है। मध्य प्रदेश में 15 सालों का सत्ता का सूखा खत्म होने के बाद कांग्रेस के अब दिन बदलने लगे हैं। जो कांग्रेस कभी आर्थिक तंगहाली का सामना कर रही थी, वो 7 महीने में इतनी तेजी से बदली है कि अब पूरे राज्य में कांग्रेस के जिला स्तर पर कार्यालय बनाए जाने की कवायद शुरू हो गई है। और तो और, राज्य कांग्रेस ने सभी जिलों के जिला अध्यक्षों और प्रदेश कांग्रेस के जिलों से सरोकार रखने वाले पदाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वो अपने जिलों में जिला स्तरीय दफ्तरों के लिए जमीनों का चयन कर लें। आपको बता दें कि राज्य के छिंदवाड़ा को छोड़ दिया जाए तो कहीं भी कांग्रेस के पास जिला स्तरीय कार्यालय नहीं है। कार्यालयों के निर्माण में कांग्रेस बीजेपी से किसी भी कदम पर पीछे नहीं रहना चाहती है। यही वजह है कि सरकार आते ही कांग्रेस संगठन अपने कार्यालयों के निर्माण में जुट गई है और ऐसे वैसे दफ्तर नहीं बल्कि कांग्रेस ने हाईटेक दफ्तर बनाने की तैयारी की है। तो अब हाईटेक दफ्तर खोलेगी कांग्रेस, सभी जिलों में दफ्तर बनाएगी कांग्रेस। पदाधिकारियों को दी जमीन ढूंढने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस सभी जिलों में अपने दफ्तर खोलेगी, इसकी फंडिंग पार्टी की तरफ से की जाएगी। शोभा ओझा ने दफ्तर बनाने की जानकारी दी है और ये सभी दफ्तर हाईटेक दफ्तर होंगे। जमीन ढूंढने के निर्देश दिए गए हैं सभी पदाधिकारियों को। तो आपको बता दें कि हाईटेक दफ्तर अब खोलेगी कांग्रेस। शोभा ओझा ने यह बयान दिया है।
जितने भी पदाधिकारी हैं उनको जमीन ढूंढने के आदेश दिए गए हैं। सभी जिलों में ये दफ्तर खोले जाएंगे। और आपको बता दें कि इसकी फंडिंग जो है वो पार्टी के जरिए की जाएगी। शोभा ओझा ने दफ्तर बनाने की ये जानकारी दी है। और आयकर विभाग ने रतुलपुरी के 254 करोड़ रुपए मूल्य के बेनामी शेयर जब्त किए हैं। उन्हें ये शेयर कथित तौर पर अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले के एक संदिग्ध से फर्जी कंपनी के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को ये जानकारी दी। रतुलपुरी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे और हिंदुस्तान पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन हैं। रतुल पहले से ही कई आरोपों में आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय की जांच के दायरे में हैं। आयकर विभाग का आरोप है कि 254 करोड़ रुपए का निवेश समूह की एक अन्य कंपनी HEPCL की तरफ से सौर पैनलों के आयात का ज्यादा बिल दिखाकर किया गया है। इसके लिए दुबई के राजीव सक्सेना की एक कागजी कंपनी की मदद ली गई थी। तो आपको बता दें कि सीएम कमलनाथ के भांजे हैं रतुलपुरी, जिन पर कार्रवाई की गई है। 254 करोड़ के बेनामी शेयर उनके जब्त कर लिए गए हैं। आईटी के शिकंजे में फंस चुके हैं रतुलपुरी। मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे हैं रतुलपुरी, जिनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आयकर विभाग का शिकंजा कसा गया है रतुलपुरी पर। और मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में अधिकतर नदियां उफान पर हैं, वहीं निचली बस्तियों में जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार आपको बता दें कि बारिश से बाढ़ की आशंका के बीच राहत आयुक्त ने 27 जिलों के कलेक्टर्स को अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में अगले 48 घंटों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश में भारी वर्षा के मद्देनजर सभी जिलों में आपदा प्रबंधन की पुख्ता व्यवस्था और सभी एहतियातन कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि भारी वर्षा के दौरान जनधन की कोई हानि न होने देने के सुनिश्चित इंतजाम किए जाएं। वहीं राहत आयुक्त की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है। राजगढ़ में लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। मोहनपुरा डैम के 8 गेट खोल दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ के हालात बनते नजर आ रहे हैं। बारिश अब आफत की बारिश बन गई है। 27 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजगढ़ में दमपत्ते और हरदा में डिप्टी रेंजर बह गए। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि राजगढ़ में डैम के गेट भी खोले गए हैं। होशंगाबाद में भी भारी बारिश का दौर जारी है। और भोपाल समेत पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। राजधानी में 24 घंटे में 166.5 मिलीमीटर यानी 6.5 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। मंगलवार सुबह से रात 8:30 बजे तक 1.5 इंच बारिश हुई है। ये 3 साल बाद 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। वहीं सीहोर में भी 24 घंटे में करीब 10 इंच बारिश हुई। इस कारण बड़े तालाब का लेवल सोमवार शाम 4 बजे से मंगलवार रात 10 बजे तक 30 घंटे में 5.5 फीट बढ़कर 1662.70 फीट हो गया है। 10 साल बाद तालाब के जल स्तर में 30 घंटे में ये सबसे ज्यादा इजाफा है। आपको बता दें कि इसके फुल टैंक लेवल 1666.80 फीट के लिए अब सिर्फ 4.10 फीट पानी की जरूरत है। तो बड़े तालाब का जल स्तर 10 साल बाद 30 घंटे में 5.5 फीट बढ़ा है। फुल टैंक लेवल के लिए लगभग 4 फीट की अभी और जरूरत है। राजधानी भोपाल में 8, सीहोर में 10 इंच बारिश हुई है। और मध्य प्रदेश के खरगोन में 14 घंटे से हो रही लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। कुंदा नदी में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, जिससे लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। खरगोन
अवर कच्छ मार्ग पर पुलिया पर 1.5 से 2 फीट पानी ऊपर आ गया है। पानी के तेज बहाव के बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। वहीं एक बस चालक ने उफनती नदी में बस डाल दी और लोगों की जान जोखिम में डालकर नदी पार की। कुंदा में बाढ़ की वजह से आसपास के 15 से 20 गांव प्रभावित हुए हैं। लोगों की आवाजाही ठप हो गई है। तो खरगोन में 14 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण कुंदा नदी में भी बाढ़ आई है। जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं ये ग्रामीण। बाढ़ की चपेट में 15 से 20 गांव आए हैं। वन मंत्री उमंग सिंघार ने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में पीपल का पौधा लगाकर एक छात्र एक वृक्ष योजना का शुभारंभ किया। योजना में विश्वविद्यालय से संबद्ध प्रदेश के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं की तरफ से इस मॉनसून में 4,50,000 पौधे लगाए जाएंगे। अकेले भोपाल के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 25,000 पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से वन विभाग ने 5,000 पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। RGPV परिसर में 5,000 छात्र छात्राओं ने पौधरोपण किए। आपको बता दें कि पौधे के साथ विद्यार्थियों के नाम की पट्टी भी लगाई जाएगी और इसके रख रखाव की जिम्मेदारी भी विद्यार्थी को ही दी जाएगी। वन मंत्री ने कहा कि 200 साल बाद हमारी धरती रेगिस्तान में तब्दील न हो, इसके लिए आज से ही प्रयास करना होगा। जंगल रहेगा तो पर्यावरण ठीक रहेगा और पर्यावरण रहेगा तो ग्लोबल वार्मिंग का बेहतर ढंग से मुकाबला किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि हम ऐसे पौधों पर शोध कर रहे हैं जो बहुत अधिक वर्षा जल सोखते हैं। तो वन मंत्री श्री सिंघार ने एक छात्र एक वृक्ष योजना का शुभारंभ किया। प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजेस के विद्यार्थी 4.5 लाख पौधे रोपेंगे।